हम धरती पर रहते हैं, क्या आपके मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि आखिर इस जमीन के नीचे क्या है? आपने कभी सोचा कि अगर ऐसा कोई गड्ढा खोदा जाए तो क्या निकलेगा? लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा कोई गड्ढा खोदा जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हम इसे जितना आसान समझते हैं ये उतना आसान है नहीं। अभी तक धरती पर ऐसा कोई गड्ढा नहीं खोदा गया जिससे पता चल सके कि नीचे क्या है, और ना ही ऐसा गड्ढा कभी किया जा सकता है। हाँ, कोशिश जरूर की गई, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। उल्टा जो निकलकर सामने आया वो आपको हैरत में डाल देगा। दुनिया के सबसे गहरे होल्स यानी गड्ढों के बारे में आपने सुना होगा। ये वो गड्ढे हैं जिनकी गहराई में उतरने के बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। ये इतने खतरनाक हैं कि इनको देखकर और इनकी गहराई जानकर ही आपके पसीने छूट जाएंगे। फिर ये सोचना तो दूर की बात है कि आप इनकी गर्त में जाकर मालूम करेंगे कि इसकी तली में आखिर क्या है। इनमें से कुछ गड्ढे प्रकृति की देन है तो कुछ इंसानों ने बनाए हैं। अगर धरती पर बने आज तक के सबसे गहरे गड्ढे की बात की जाए तो वो है रूस का कोला सुपर डीप बोर होल। ये गड्ढा समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट से भी ज्यादा गहरा है। हम जानते हैं कि समुद्र कई किलोमीटर तक गहरे होते हैं। अगर समुद्र में सबसे गहरी जगह की बात करें तो इंसानों द्वारा खोजी गई अब तक की सबसे गहरी जगह है मरियाना ट्रेंच, जो पृथ्वी की सतह से 11 किलोमीटर नीचे है और प्रशांत महासागर में है। इसी तरह से ऑयल ड्रिलिंग वाले ऑयल बोरवेल इससे भी गहरे हैं। लेकिन पृथ्वी की चट्टानों में खोदा गया सबसे गहरा बोरहोल रूस का कोला सुपर डीप बोरहोल है, जो कि 12,262 मीटर यानी लगभग 12 किलोमीटर गहरा है। इस बोरहोल की खुदाई सन 1970 से लेकर 1989 तक चली, और जब नीचे 180 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिला तो खुदाई बंद कर दी गई। कोला सुपर डीप बोरहोल इंसानों के द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल गड्ढा है, जो 70 के दशक में दुनिया भर के देशों के बीच एक्सप्लोरेशन की जंग में बना था। दरअसल 1970 में सोवियत, जिसे आज रूस कहते हैं, के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की लेयर्स के बारे में जानना चाहा। इसकी खोज के लिए चंद वैज्ञानिकों ने मिलकर रूस में एक गहरा होल करने की सोची, ऐसा होल जिसकी गहराई आखिर में इन वैज्ञानिकों को पृथ्वी का रहस्य बता दे। 24 मई 1970 में रूस की सरजमी पर इस गड्ढे को खोदने का काम शुरू किया गया। इसे नाम दिया गया कोला सुपर डीप बोर होल। 24 साल बीत गए इसे खोदते खोदते, लेकिन वैज्ञानिकों के हाथ कुछ नहीं लगा। आखिरकार 1994 में इस बोर होल का काम बंद कर दिया गया। वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकार किया कि इतना गहरा होल बनाना कोई आसान काम नहीं है, ये बेहद मुश्किल है। फिलहाल इस होल को ऊपर से बंद कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि इतने साल बीत जाने के बाद आखिरकार वैज्ञानिकों को उस होल के अंदर क्या मिला। वैसे ये जानना बेहद रोमांचक होगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस गड्ढे की तली में तीन खास चीजें मिली। सबसे पहले तो ढेर सारा पानी। इस पानी के बारे में उनका कहना है कि यहाँ पत्थरों के रूप में मौजूद खनिज पदार्थ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अणुओं को दबाकर पानी निकाल देते हैं। ये वही पानी है। इस बात को इसलिए भी सच कहा जा सकता है क्योंकि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है। दूसरा, यहाँ 6,700 मीटर की गहराई में सूक्ष्म जीव मिले, जो इस गड्ढे की सबसे हैरान कर देने वाली खोजों में से एक है, क्योंकि इतनी गहराई में किसी जिंदगी का होना नामुमकिन था। ऐसा इसलिए क्योंकि जमीन में जितना नीचे जाएंगे टेम्परेचर उतना ही बढ़ता जाता है और अधिक तापमान में जीवन नहीं हो सकता। लेकिन वैज्ञानिकों ने जो सोचा उसका उल्टा ही हुआ, क्योंकि इस गड्ढे में कई माइक्रोब्स मिले जो उतने टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकते थे। ये सभी माइक्रोब्स पानी में नहीं बल्कि गड्ढे की गहराई में पत्थरों में पाए गए, जो कि करोड़ों साल पुराने थे। तीसरा, यहाँ का तापमान बेहद गर्म है, ये करीब 180 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने ये राज भी खोला कि ये गड्ढा पृथ्वी की सतह तक पहुँचने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन इतने साल की खुदाई के बाद भी वे पृथ्वी के अंदर सिर्फ 0.02% पर ही पहुँच सके थे।
एक और अनएक्सपेक्टेड चीज जो इस गड्ढे में हुई वो थी गैस। वैज्ञानिकों ने यह कभी नहीं सोचा था कि यहाँ गैस मिलेगी, लेकिन वहाँ हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी। इन सब के अलावा भी इस गड्ढे में कई विचित्र खोजें हुईं, लेकिन अचानक ही इस गड्ढे को बंद कर दिया गया और ऐसा करने के कई कारण बताए गए, जिनमें से मेन था वहाँ का टू हॉट टेम्परेचर। रिसर्चर्स के अनुसार इस गड्ढे के सबसे गहरे हिस्से का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस था, जो कि उनके अनुमान से करीब दोगुना था, और यही वजह है कि उन्होंने इस गड्ढे को और ड्रिल करना ठीक नहीं समझा। साथ ही इतनी गहराई में पत्थरों की डेंसिटी भी बढ़ती जा रही थी, मतलब ड्रिल करने की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि 15 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल करते करते तापमान करीब 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जहां ड्रिल बिट भी काम नहीं करेगा। फंड न होने से इस प्रोजेक्ट को 2006 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसके साथ ही सभी ड्रिलिंग और रिसर्च उपकरणों को नष्ट कर दिया गया। इस साइट को 2008 में पूरी तरह से सील कर दिया गया। आपको बता दें कि जमीन के नीचे चट्टानों में छेद करने की कोशिश अब तक कई देशों ने की है, जिनमें अमेरिका, जर्मनी और रूस प्रमुख हैं। 15 किलोमीटर की गहराई तक खोदने के इनके उद्देश्य हालांकि कभी पूरे नहीं हो सके, परंतु कई किलोमीटर चट्टानों को खोदकर इन देशों को बहुत से रहस्य मिले, जिन्हें कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। कोला सुपर डीप बोरहोल में एक चौंका देने वाली बात यह है कि इस गड्ढे को बहुत ही सख्ती से बंद किया गया, मतलब ये जगह अब पूरी तरह से बंद है और यहाँ कोई भी विजिट नहीं कर सकता। गड्ढे को बंद करने के साथ साथ इसे पूरी तरह से सील भी कर दिया गया था, ताकि कोई इस प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू ना कर सके। दोस्तों, अब तक तो आपने कोला सुपर डीप बोरहोल के बारे में वो जाना जो सरकार ने पब्लिक को बताया, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। सरकार ने पब्लिक में इस गड्ढे को बंद करने की जो वजह बताई थी वो थी टू हॉट टेम्परेचर, लेकिन इस गड्ढे को बंद करने के कुछ राज ऐसे भी हैं जिन्हें पब्लिक से दूर रखा गया। बहुत से लोगों का कहना है कि वैज्ञानिकों को धरती की खुदाई करने पर नीचे नर्क मिला, जिसमें से इंसानों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इसलिए गड्ढे को बंद कर दिया गया, क्योंकि रिसर्चर डरे हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं वे इस गड्ढे को नर्क तक ना खोद दें। डॉक्टर एजाको नामक एक रूस के वैज्ञानिक कोला सुपर डीप बोरहोल की खुदाई के दौरान काफी नीचे तक चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने पृथ्वी की गहराई में दिल दहला देने वाली आवाजें सुनी, जिन्हें साउंड ऑफ हेल या नरक की आवाज भी कहा जाता है। उन्होंने उन आवाजों को रिकॉर्ड कर लिया। इस रिकॉर्डिंग के दौरान इस्तेमाल किया गया माइक्रोफोन टेक्टोनिक प्लेटों को खोजने के लिए इस्तेमाल होता है। उनके मुताबिक ये आवाजें पाताल के अंदर मौजूद नरक की थीं, जो इंसानों, जानवरों और राक्षसों की थीं। आवाजें और चीखें इस तरह की हैं मानो इंसानों पर अत्याचार किए जा रहे हों। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर वहां के पिघले हुए लावा या फिर टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण ये आवाजें आ रही थीं, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी जितनी बाहर से शांत लगती है उतनी शांत वो है नहीं। वो अंदर से लावा का धधकता हुआ गोला है। हो सकता है शायद ये आवाजें पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों से ही उत्पन्न हो रही हों।